बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करके सभी को चौंका दिया। अपनी पहली सूची में बीजेपी ने 6 मौजूदा सांसद के टिकट काट दिए। इनमें सागर से राज बहादुर सिंह, विदिशा से रमाकांत भार्गव, भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट दिया। लेकिन चर्चा एक सांसद के टिकट कटने की सबसे ज्यादा हो रही है, वो है गुना से वर्तमान सांसद केपी यादव, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 लोकसभा चुनाव में चित कर दिया था। इसके बाद से केपी यादव राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में आ गए थे, लेकिन सिंधिया और केपी यादव के बीच जुबानी हमले चलते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए, जिसके बाद भी दोनों नेताओं की खटपट सामने आती रही। कभी सिंधिया गुना किसी कार्यक्रम में आते तो वहां केपी यादव मौजूद नहीं रहते। जब केपी यादव से इस पर सवाल किया जाता था तो वो कहते रहे कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया जाता। अब सिंधिया को गुना से लोकसभा टिकट तो मिल गया, लेकिन केपी यादव का क्या होगा? क्या बाकी बची 5 सीटों में से किसी एक सीट से उन्हें लड़ाया जा सकता है? फिलहाल अब बाकी बची सीटों के उम्मीदवारों का सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एंड तक।